क्या आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 ढूंढ रहे हैं? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करें टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन अंडर 40,000। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं चेक की है तो इसे भी आप जरूर चेक कर ले, जिसमें मैंने बात किया टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 40,000। और दोस्तों जब बात हो बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 लेना, तो ऐसे में हमें कुछ बातों को ध्यान रखते हुए बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 लेनी चाहिए। सबसे पहले कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन देखने को मिले और ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स निकल कर आती है, जिससे आपको काफी ज्यादा कम मोशन ब्लर देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में फोटो क्लिक करते समय। नेक्स्ट उस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए और इस प्राइस रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाती है। तो आगे इसी वीडियो में जानेंगे कि हमें कौन से स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपकी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिस्ट में 3 ऐसे टॉप 3 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 इंक्लूड किए हैं, जो कि सारे के सारे एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हो आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए इन तीनों में से। तो आइए दोस्तों आप जान लेते हैं आज के लिस्ट की सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में। और आज के लिस्ट का सबसे पहला स्मार्टफोन निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 4 प्रो। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच की 3D कर्व्ड फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देती है स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, भी दोनों साइड हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है, जिससे आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है। स्क्रॉल और स्वाइप करते समय स्मार्टफोन की स्क्रीन पर प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम की तरफ से आने वाली स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 8GB रैम और साथ ही में 128GB का इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का मोनोक्रोम लेंस और साथ ही में 2MP का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाती है। और कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे में आपको टाइमलेस फोटोग्राफी मोड देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ जाती है। इसके साथ ही आपको HDR मोड और लो लाइट फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड हमें देखने को मिल जाती है। वीडियो फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप स्लो मोशन वीडियो अप टू 960fps तक शूट कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ जाती है यदि आप स्लो मोशन वीडियो शूट करना पसंद करते हैं तो। इसके साथ ही स्मार्टफोन के रियर कैमरे से 4K में अप टू 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में हमें अल्ट्रा स्टडी 3.0 मोड देखने को मिल जाती है, जिससे आप एक स्टेबल फुटेज शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 32MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड और साथ ही में नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाती है। और इस नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड को यूज कर आप अंधेरे में भी एक अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फी ले सकते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ जाती है स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के फीचर्स के बारे में। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 4000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन के साथ हमें 65W का सुपर वूक 2.0 चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और इस चार्जर के जरिए स्मार्टफोन की बैटरी को आप सिर्फ 36 मिनट में फुल्ली कर सकते हैं चार्ज, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक क्रेजी सा फीचर्स देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक स्लिम स्लीक और एक स्टाइलिश स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, जिसमें आपको एक बेहतरीन क्वालिटी के कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए फ्रंट और रियर दोनों में ही, तो ये ओप्पो की तरफ से आने वाली ओप्पो रेनो 4 प्रो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरे की तो इस स्मार्टफोन में हमें 32MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें अल्ट्रा नाइट सेल्फी और नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाती है। और रियर कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन मैं उन सारे यूजर्स को रिकमेंड करना पसंद करूंगा जिन्हें एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 चाहिए और जो दिखने में स्लीक और एक स्टाइलिश स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के लिस्ट के दूसरे स्मार्टफोन की तरफ। और आज के लिस्ट का दूसरे स्मार्टफोन निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S20 फैन एडिशन। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की क्वाड HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा एक अच्छी फीचर्स निकल कर आ जाती है, जिससे आपको काफी ज्यादा अल्ट्रा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें सैमसंग की खुद की एक्सिनोस 990 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 8GB रैम और साथ ही में 128GB का इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब कैमरे सेटअप के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें 12MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8MP का टेलीफोटो लेंस हमें देखने को मिल
जाती है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 30x स्पेस जूम देखने को मिल जाती है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा फीचर्स निकल कर आ जाती है। और इस फीचर को यूज कर आप दूर के ऑब्जेक्ट्स की फोटो जूम करके ले सकते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ जाती है फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 3x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाती है, तो यदि आप पोर्ट्रेट फोटोज लेना पसंद करते हैं ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल निकल कर आती है। वीडियो फीचर्स के बारे में बात करते हैं, स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 8K में वीडियो शूट कर सकते हो और वहीं पे स्लो मोशन वीडियो अप टू 960fps तक। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं, स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में बात करते हैं, स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से 4K में अप टू 60fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही हमें 25W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 ढूंढ रहे थे जिससे आप एक बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाती है और साथ ही में 3x ऑप्टिकल जूम जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी की और साथ ही में एक बेहतर क्वालिटी की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको 30x स्पेस जूम भी देखने को मिल जाती है, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 ढूंढ रहे थे जिससे आप एक बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो ये सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी S20 फैन एडिशन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के लिस्ट के सबसे आखिरी स्मार्टफोन के बारे में। और आज के लिस्ट का सबसे आखिरी स्मार्टफोन निकल कर आती है Xiaomi की तरफ से Mi 10T Pro। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच की फुल HD+ डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही में इस स्मार्टफोन में हमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली पैनल देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें Qualcomm की तरफ से आने वाली Snapdragon 865 5G प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और साथ ही में 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब कैमरे की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन में हमें 108MP का मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5MP का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाती है। और कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें स्टेरियो मोड, रॉ मोड और साथ ही में HDR अल्ट्रा वाइड मोड भी देखने को मिल जाती है। और यदि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो इस स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते समय बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते, तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ जाती है। वीडियो फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 8K वीडियो सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 20MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें नाइट मोड और साथ ही में पैनोरामा सेल्फी मोड हमें देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरे के वीडियोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें टाइमलेस वीडियोग्राफी भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही हमें 33W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स भी देखने को मिल जाती है। और कंपनी क्लेम करते हैं कि स्मार्टफोन के चार्जर के जरिए आप 100% से 59 मिनट में फुल्ली कर सकते हैं चार्ज, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात निकल कर आ जाती है स्मार्टफोन के बैटरी फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये स्मार्टफोन आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरे स्मार्टफोन अंडर 40,000 ढूंढ रहे थे तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाले Mi 10T Pro स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहले बात, इस स्मार्टफोन में आपको 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है जिससे आप एक बेहतर क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में हमें स्टेरियो मोड देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में हमें किसी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती है। और इस फीचर को यूज कर आप तारों की फोटो क्लिक कर सकते, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स निकल कर आ जाती है। और यदि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना पसंद करते तो इसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर एडजस्टमेंट फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000 ढूंढ रहे थे तो ये Xiaomi की तरफ से आने वाले Mi 10T Pro स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है, खास करके यदि आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं और साथ ही में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो। और इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।